सीकर के फतेहपुर में कोरोना काल के बीच में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही में कोरोना के संकट के बावजूद निडर होकर रक्तदान किया। शहर के बारी गांव में शहीद भगत सिंह ग्रुप की ओर से मोहर सिंह झाखड़ की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक हाकम अली खान सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान पक्षियों के लिए परिंडे भी बांधे गए। श्रद्धांजलि देना चाहूँगा शहीद मोहर सिंह को, जो आज नौजवान उनके साथी, उनके दोस्त, उनके परिवार के और उनके गांव वालों ने एक बहुत अच्छा निर्णय किया कि मोहर सिंह की याद में और उसके श्रद्धांजलि सभा रखी और उसके साथ साथ इन्होंने जो रक्तदान शिविर रखा है, तो धन्यवाद देना चाहूँगा इनके दोस्तों को, परिवार को और गाँव वालों को कि रक्तदान एक ऐसा महादान है कि एक आदमी जब रक्तदान करता है तो तीन जिंदगियां बचाता है। तो इसलिए मैं इनसे एक और भी अभी कह रहा था कि आप लोग इसको निरंतर साल टू साल चालू रखें और मोहर सिंह अपने बीच रहेगा, अपने गांव में रहेगा, अपने दोस्तों के बीच रहेगा। अगर आप साल हर साल जब ये दिन आएगा तो इस दिन आप लोग रक्तदान शिविर रखोगे। हमारा एक मित्र था जो लास्ट ईयर वन ईयर से पहले 22 मई को एक्सीडेंट हो गया था उनका और उनकी डेथ हो गई थी। दुख तो इस बात का कि हमने एक हमारा मित्र खोया और खुशी इस बात की है हमें कि हमारे मित्र के मतलब उस पर मतलब हम श्रद्धांजलि सभा और एक रक्तदान का आयोजन कर। रक्तदान एक ऐसा दान है इस दुनिया में जो सबसे बड़ा दान है इस इंसान के लिए। एक इंसान एक मिनट से हम तीन लोगों की जान बचा सकते हैं, तो इसलिए रक्तदान का हमने सबसे सोचा कि और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें रक्तदान के लिए रक्त की बहुत जरूरत है। इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ अच्छा करें। तो फिर हम सब ने, युवा साथियों ने, गांव के युवा मंच के साथियों ने सबने मिलके यह तय किया कि हम एक रक्तदान का आयोजन करते हैं और जिसमें सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की सबकी व्यवस्था होगी और इसमें मतलब सब प्रशासन वगैरह सबसे मतलब बातचीत करके फिर ये निर्णय लिया हमने सबने कि भाई रक्तदान का ही